कैबिनेट मंत्री हर्ष यादव मध्य प्रदेश शासन के द्वारा सागर जिले के ब्लॉक केसली के ग्राम महका पिपरिया में लंबे समय से ग्राम वासियों के लोगों का पुल न होने जैसी भारी समस्याओं का समाधान कराया। साथ ही जनवरी शुरुआत के माह में भूमि पूजन कर स्वीकृत राशि से पुल निर्माण कार्य करने बाबत संबंधित विभाग अधिकारी एवं ठेकेदार को निर्देश किया था, पर अभी तक पुल निर्माण कार्य शुरू नहीं किया गया है, जिसमें विभाग की निष्क्रियता स्पष्ट उजागर हो रही है एवं नदी के इस पार से उस पार स्कूली छात्रों एवं मरीजों को जान जोखिम में डालकर टूटी नाव से नदी से निकलना पड़ रहा है। हादसे होने का भय ग्रामीणों को बना हुआ है। जान जोखिम में डालकर टूटी नाव से नदी पार करते हैं पिपरिया गाँव के लोग। तहसील केसली अंतर्गत ग्राम पिपरिया के लोग और स्कूली बच्चों को अपनी जान जोखिम में डालकर एक टूटी नाव से नदी को पार करना पड़ता है। बीमार होने पर मरीज को खाट पर रखकर नदी पार कराना चाहता है। क्षेत्र में विकास का दम भरने वाले कई आए और आश्वासन देकर निकल गए, लेकिन इस गांव में रहने वाले लोगों को कोई लाभ ना दिला पाए। छोटे बच्चे नदी पार कर स्कूल जाते हैं, बाकी के लोग कहीं भी काम पर जाने के लिए नदी पार करते हैं। कई सालों से यहाँ के लोग एक पुल की मांग करते आ रहे हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। कई बार सर्वे हो जाने के बावजूद कार्य शुरू नहीं हो सका। वर्तमान स्थानीय विधायक एवं कैबिनेट मंत्री हर्ष यादव ने भूमि पूजन भी पिछले माह किया, लेकिन कार्य की कोई शुभबुगाहट भी स्थानीय लोगों को समझ में नहीं आ रही। स्थानीय लोगों का कहना है कि जल्द से जल्द पुल का निर्माण कार्य कराया जाना चाहिए, जिससे हम लोगों को आने जाने में सुविधा हो सके।